आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे फूड आइटम्स ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो हमारे पूरे रिकवरी के स्पीड को एनहेंस करते हैं अक्रॉस द ग्लोब आज पेशेंट्स के साथ जब बात होती है पेशेंट्स बताते हैं कि मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है मैंने सब कुछ किया है हर पॉसिबल चीज मैंने की है बट मुझे ये आयुर्वेद ट्रीटमेंट अच्छे से करना है पर इतने रेस्ट्रिक्शन है कि क्या खाना है यू you नो know, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है अभी सो वॉट वॉट कैन आई टेक वट आर द ऑप्शन सो आज इस वीडियो में हम ऐसे लिस्ट ऑफ फूड्स के बारे में बात करने वाले स्पेशली ऐसे खान पीन की चीजें जो एक दवा की तरह काम करते हैं, आप उन चीजों को ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवरी हम पेशेंट्स में आज देखते हैं तो ऐसे चीजें जो आपको डेफिनेटली नोट करने चाहिए और एड ऑन करने चाहिए एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट के लिए डिजेनरेटिव प्रॉब्लम इंफ्लामेटरी प्रॉब्लम ऐसे विकार जो सालों साल तक चल रहे You know, आपको कहा है कि वो ठीक नहीं होने वाला है या आपको जीना है इसके साथ स्टेरॅड लगाते रहना है बार बार विकार आ रहा है इट्स हाई टाइम यू चूज आयुर्वेद यू चूज वाइजली टू गेट दैट लाइफ लॉन्ग रिजल्ट दिस वीडियो विल बी बैक नमस्ते वी वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक्स सेंटर मुंबई दवा एक पहली ट्रीटमेंट है जब तक हम कारणों को और यू नो कॉजेस जो है हमारे फूड आइटम्स है स्ट्रेस मैनेजमेंट है जब तक इन चीजों पर हम काम नहीं करते तब तक एक ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होती आई I मीन mean, एक अगर प्रॉब्लम है जैसे जोड़ों का दर्द है हम अगर कुछ दवा लेने वाले हैं पेन किलर लगाने वाले हैं या लेने वाले हैं तो कुछ भी करे खाए कितना भी बजे सोए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वी आर नंबिंग आर माइंड नॉट हैविंग एनी सेंसेशन ऑफ दैट पेन बट आयुर्वेद में नेचुरल रिजल्ट है रियल रिजल्ट है लाइफ लॉन्ग रिजल्ट है सो so, इस चीज के लिए थोड़ा भी इधर उधर होता है तो पेशेंट्स को पेन होता है हम एक स्टेप पीछे आते हैं तो एक अच्छे रिकवरी के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है 80% परसेंट माइंड सेट ट्वेंटी परसेंट इज द डाइट पार्ट और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई टाइम लैप्स नहीं रखना पेशेंट जो कहते हैं कि यस मुझे वन ईयर तक अच्छा जैसे कहा है वैसे फोकस करना है पेशेंट्स बहुत अच्छे स्पीड में रिकवर करते हैं जो पेशेंट्स का ये कहना है कि मुझे सात दिन में ही ठीक होना है मुझे पंद्रह साल के विकार के लिए एक महीने में ही ठीक होना है वीसी काउंटडाउन शुरू हो जाता एवरी डे वही पैचेस पर देखना दस पैच है पर एवरी डे पैचेस को ढूंढना आई मीन यही मैसेज यूनिवर्स को जा रहा है बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक अ मिरर मैसेज यही जा रहा है कि मुझे पैचेस चाहिए मुझे दाग चाहिए मुझे लीजन चाहिए इसीलिए नए लीजें भी दिखाई दे सकते हैं एक दवा या आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के लिए अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमें क्या जरूरत है तो एक पॉजिटिव माइंडसेट की आज इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे फूड आइटम की जो दवा की तरह काम करते हैं सो so, एक एक करके बात करने वाले आप नोट कीजिए और एड ऑन कीजिए आज से ही ओके सो फर्स्ट कैटेगरी है फल भाजी यानी फ्रूट वेजिटेबल की कैटेगरी इसे बहुत ही श्रेष्ठ कहा है और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स रिमोटर आर्थराइटिस सोरियसिस एक्जिमा लाइक जितने भी असाध्य विकार है उस विकारों के लिए ये फ्रूट वेजिटेबल की कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ कही है सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रूट वेजिटेबल्स में दुधी यानी यानी सफेद पेठा जिसे कहते रिज गर्ड जिसे कहते हैं यानी लुफा भी कहते हैं पंपकिन है, है यानी कद्दू लेडी फिंगर यानी भिंडी कॉलीफ्लावर यानी फलग गोभी बिटर मेलिन यानी करेला इंडियन स्कोश यानी धिमसा टिंडा भी कहते हैं बेल पेपर यानी शिमला पेपर सफेद बैंगन सफेद बैंगन यहां पर लेना है जो दूसरा पर्पल कलर का जो बैंगन होता है वो रक्त दुष्टिकर है त्वचा विकारों को बढ़ाता है इचिंग को बढ़ाता है सो बैंगन नहीं खाना है पर सफेद बैंगन दवा की तरह काम करता है तो सफेद बैंगन और लास्ट एक ऑप्शन आप यहां पर देख सकते हो स्नेक गर्ड यानी पडवल ये ऐसे फल भाजी ऐसी कैटेगरी है जो दवा की तरह काम करते हैं हमें डेफिनेटली इसे एड ऑन करना चाहिए दूसरी कैटेगरी है आ, you know, vegetable. और सर्वश्रेष्ठ हमें जो लगता है सब्जी है है वो है केस या टोरा, यानी की सब्ज़ी आसान से मिल जाती है चक्रमर्द ये स्किन में हम काफी पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन है इसके फायदे त्वचा विकार से अच्छे हम कह सकते हैं कि असाध्य त्वचा विकार के लिए चक्रमर्द के बेहतरीन फायदे हैं और इस सब्जी को ही अगर हम ऐड करें हमारे खाने में तो आप सोच सकते हो कि रिजल्ट्स कैसे हो गए चक्रमर्त यानी के तरोटा की भाजी या तकड़ी ची भाजी तकड़ी सब्जी ऐसे कहते हैं सो so, इसका फोटोग्राफ इट ओवर यू नो रेसिपीज आपको यूट्यूब पर बाकी ठिकान पर यू नो यू कैन सर्च फॉर इट एंड यू कैन एड ऑन काफी आसान सी रेसिपीज है कोई भी सब्जी जिस तरीके से आप पकाते हो सेम उसी प्रोसीजर में आपको इसे पकाना है दूसरा You know, uh, सब्जी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है शतावरी शतावरी बहुत आसानी से हमें मिल जाता है सो तो इसे यू you नो know, एक सब्जी के रूप में हमें बनाना है अगर हम दाल घर पे बना रहे हैं तो दाल में पानी डालते हैं और उसे फिर पकाते हैं तो इस पानी के बजाय हम बना सकते हैं शतावरी का काढ़ा, शतावरी का डिकॉक्शन और इस डिकॉक्शन का जो काढ़ा है जो पानी है इस पानी को हम ऐड कर सकते हैं उस दाल में और फिर उस दाल को तैयार कर सकते हैं बेहतरीन है इसके फायदे शतावरी ये फीमेल्स के लिए नहीं पर मेल हॉर्मोन्स के लिए भी इसके बेहतरीन फायदे हैं। हॉर्मोन्स को बैलेंस कर रहा है एफ्रोडिसक है वृक्ष कहा है रसायन कार्य करता है कई पेशेंट्स ठीक होने के बाद हम उसे अश्वगंधा शतावरी विदारी खन्द शुंटी कपी कच्छू विच इज कवच बीच इन चीजों पर रखते हैं जो कि एफ्रोडिसक है वाजीकरण है रसायन है ताकि रोग फिर से वापस न आए सो so, ऐसी चीजें हमें खान पीन में ऐड करनी है थोड़ा दाल स्वीट लग सकता है पर बेहतरीन है इसके फायदे अगला है गुलवेल जिसकी सब्जी आपको डेफिनेटली यू नो बनानी चाहिए अगले कुछ फूड आइटम्स है जैसे अमरंत यानी माठे की भाजी अमरंत स्पाइनोसिस यानी तांदुर की भाजी ड्रम स्टिक्स यानी शेवग्या शेंगा यानी मोरिंगा और लास्ट वाला हम हाँ बोल सकते हैं कोलोसेजिया लीव्स यानी अड़ू ची भाजी तो ये ऐसे सब्जियां हैं जो आसानी से अवेलेबल होती है और बेहतरीन है इसके फायदे अगला बात करते हैं ग्रेन के बारे में ग्रेन के बारे में सबसे पहले आपको फोकस करना है मसूर दाल वेरी इजिली अवेलेबल अगला वाला है सोरगम यानी ज्वारी अगला वाला है पॉल मिलेट यानी बाजरी अगला वाला है वीट यानी गेहूं गेहूं आपको लेना है अगर आपको लगता है कि बॉडी एलर्जिक समवेयर ट्राई टू कट इट ऑफ नहीं लेना नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं ये है फ्रूट्स की कैटेगरी फ्रूट्स की कैटेगरी में सर्वप्रथम मृदु विरेचक पित्त शामक निद्रा जनक और कहीं ना कहीं मनोह स्त्रोतस पर जा रहा है पित्त का रेचन कर रहा है और ये दवाई का नाम है काला मुनक्का यानी ब्लैक रेजन किशमिश काला मुनक्का एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली यूजफुल काला मुनक्का दस से पंद्रह या पंद्रह से तीस सुबह पानी में भिगोना है और रात को इस काला मुनाक्का को बत्तीस बार चबा के हमें खाना है सुबह हम विरेचक का एक कार्य देखते हैं कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी निकाल रहे हैं माइग्रेन कम हो रहे हैं नींद अच्छे से आ रही है स्ट्रेस कम हो रहा है so, सो काला मुनक्का बेहतरीन है ये दवा सिर्फ शुगर पेशेंट्स को इसे नहीं लेना दूसरा हम ले सकते हैं कलिंगड़े वाटरमेलन विदाउट सीड्स अगला वाला है स्वीट पोमोग्रेनेट खट्टा वाला नहीं बट स्वीट पोम पौर, नेक्स्ट uh, वन आप यू नो फ्रूट्स में ले सकते हो फिग्स यानी अंजीर अगला कैटेगरी हम बात करते हैं पेय पदार्थ यानी पीने के लिए आप क्या ले सकते हो तो यह है छास छास जो घर पे बनाया है छास जो इस तरीके से बनाया है जहां पर लोनी मलाई बटर को हम बाहर निकाल के वो ले रहे छास का यू नो प्रॉपर्टीज या उसका कार्य या रस क्या है तो ये कषाय रसात्मक है हम उसे खट्टा सो so, दही में बहुत ज्यादा पानी डालने से वो छाछ नहीं बनता वो डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ दही है दही ये उष्ण तीक्ष्ण है रक्त दुष्टिकर है सभी दोषों की यू नो नाश कर देता है रक्त दुष्टि कर देता है सो so, दही इज नंबर वन टू बी अवॉइडेड इन आयुर्वेदा फॉर मोस्ट डिजीज दैट वी सी नाउ सो बटर मिल्क प्रॉपर पद्धत से घर पे बनाना है बाई रिमूविंग द लोनी और बहुत ही पतला बनाना है ले सकते हैं पेशेंट्स अगला कैटेगरी है लेह पदार्थ ऐसे चीजें जो हम लिक कर सकते हैं चट सकते हैं चटनी वाली चीजें इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर is इज प्राश का सेवन हम कर सकते हैं बेल मुरब्बा का सेवन कर सकते हैं जिसे बेल अवलेह कहते हैं बिल्व अवलेह नाम की दवा मिलती है वो ले सकते हैं मुरब्बा हम यू नो एड कर सकते हैं फॉर लिकिंग पर्पज या फिर गुलकंद का सेवन हम कर सकते हैं हमेशा एडवाइस किया है कि हमें तेल में खाना नहीं बना के गाय का घी वी हैव टू यूज इट फॉर कुकिंग पर्पस सो ये ऐसी छोटी पर बहुत ही महत्व की चीजें हैं जो एक पेशेंट को ऐड करने चाहिए फॉर रियली गुड रिजल्ट पेशेंट यहां पर पेज यानी कांजी ले सकते हैं यानी चार कप पानी एक कप राइस बॉइल मेक इट ऑफ स्ट्रेन थोड़ा जीरा सॉल्ट फॉर टेस्ट एंड कंज्यूम इट जब भी पेशेंट को भूख लगे तब इसे कांजी या पेस कहते हैं राइस वाटर कहते हैं so, सो ऐसी चीजें काफी छोटी है पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कहीं ना कहीं पेशेंट जब ये ऐड करते हैं

अवॉयडिंग द रिस्ट्रिक्टिव आइटम्स लाइक द करो चीजें जैसे कि जो खट्टी है जो बचा हुआ खाना बार बार हीट करके ले रहे हैं अगली वीडियो में हम डोंट्स के बारे में बात करने वाले हैं इन सभी चीजों का आइडिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश हिंदी मराठी नाम दी है सो यूकिन गूगल दे रेसिपी देख सकते हो और उन चीजों को आपको एड करने ताकि आपकी रिकवरी फास्ट हो सके नेक्स्ट टाइम किसी भी पेशेंट को यह नहीं पूछना है कि मैं खाना क्या खा सकता हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना हो तो बहुत सारी ऑप्शन है बट इन चीजों को एड करिए ताकि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट मिले इसके साथ और कई चीजें ऑन इन द डिस्क्रिप्शन आप उसे देखिए डूज और डोंट्स को फॉलो करिए फॉर गुड रिजल्ट्स कोई डाउट्स क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए शेयर करिए आगे इस वीडियो को ये था आज का वीडियो कोई डाउट्स क्वेश्चंस वी आर फॉर यू अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज टीम लुक इंप्रेसिव बी प्रोग्रेसिव